टुडे वी स्टार्ट द थर्ड लेक्चर फ्रॉम मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग बिजनेस फाइनेंस। ये आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैंने आपको बुक फर्स्ट बताई थी टीएस गरेवाल की, जिसमें से मैंने आपको बोला था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए मैंने स्पेशली ली है। तो आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, देन फंड फ्लो करेंगे, देन हमारा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग एंड एचआरएम अकाउंटिंग। सो हमें बहुत कुछ करना, तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। यहाँ पर सबसे पहले हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप एक बार देख लो इसमें जो अकाउंटिंग रेशियोज के मैंने आपको वो बताना था कि जो इसमें अकाउंटिंग का मैंने आपको अपना दिया है पीडीएफ फाइल दी है जो मैंने अपने टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल पे, उसी में ना मैं ये ऐड कर दूंगी। आप देख लो इसमें जो रेशियोज है मुझे बोला था, तो उन्होंने बोला था कि रेशियोज आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो, तो उसके लिए मैंने आपको बताना था कि ये थोड़े बहुत अच्छे नोट्स दिए हुए हैं इसमें ना आपको। एक तो ये वाली बात भी बताई है कि हमारे पास उसका प्योर रेशियोज हाई एक्सप्रेस कितना होगा, ठीक है, और उसका मीनिंग क्या होगा, तो इसकी भी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, आप उसमें देख लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा हम रेशियोज देख लेते हैं, उसके बाद हम फंड फ्लो कैश फ्लो करते हैं। सो फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो हमारे पास दो टाइप की होती है, अगर आप देख लो अच्छे से, इसमें जो हमारे पास लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले होती है करंट रेशियो, जिसमें आपका वर्किंग कैपिटल रेशियो भी इसको बोला जाता है। इसमें आपका आ जाएगा, इसका फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, ठीक है। और इसका जो आपके पास होना चाहिए जो आइडियल रेशियो होती है, ये आप याद रखना, जो आइडियल रेशियो होती है वो आपकी 2:1 है, ठीक है। तो जो करंट रेशियो है वो 2:1 है, और ये आपकी करंट, इसको आप करंट रेशो या वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आइडियल रेशो। एंड देन उसके बाद आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, फ्रैक्शंस में कर सकते हो। और रिमार्क्स क्या आ जाएगा, करंट एसेट मींस दोज एसेट विच आर इधर इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैन बी कन्वर्टेड इन टू कैश विद इन अ ईयर, एग्जाम्पल लाइक कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेज। एंड करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच वी रिक्वायर टू पे विद इन अ ईयर, एग्जाम्पल सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज एक्स्ट्रा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपकी जो हमारे पास सेकंड है वो है हमारे पास लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो है हमारी एसेट टेस्ट रेशियो, उसको आप तीन नाम है इसके, एक तो आप इसको आप लिक्विडिटी रेशियो भी बोल सकते हो, एसेट टेस्ट रेशियो भी बोल सकते हो, और क्विक रेशियो भी बोल सकते हो। सो इसका फॉर्मूला है क्विक एसेट और लिक्विडिटी एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। देन उसके बाद इसके जो आइडियल है वो कितना है, 1:1। ये याद रखना है कि जो करंट रेशो है उसका आइडियल है 2:1, और जो हमारा लिक्विड क्विक एसेट है उसका है हमारा 1:1। इसको भी फ्रैक्शंस में किया जाता है। और जो क्विक एसेट है वो कैसे निकल सकता है, जो आपकी करंट एसेट सी हमारी कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसी में से माइनस करना है स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, तब आपका ये निकल जाएगा क्विक एसेट, ठीक है, और लिक्विड एसेट। तो ये थी हमारी लिक्विडिटी रेशियो। देन हमारे पास नेक्स्ट है सोलवेंसी रेशियो। इसका फॉर्मूला है सबसे पहले है डेट इक्विटी रेशियो, डेट इज मीन लॉन्ग टर्म एंड इक्विटी मीन शेयर होल्डर फंड्स। सो ये रेशियो जो है बेसिकली जज करती है द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन एंड साउंडनेस ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द फर्म। इन जनरल लोअर द डेट टू इक्विटी रेशियो, हायर द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन एंजॉयड बाय द लेंडर्स। सो अगर आपको ना क्वेश्चन जो हमारे पास यूजीसी एग्जाम में आता है वो ऐसे आते हैं क्वेश्चन कि वो वाली रेशियो बताओ या फिर वो वाली रेशियो बताओ जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को करती है, और आपके पास ऑप्शन दे दिए, ठीक है, तो आप तो बोलोगे कि सारी ही रेशियो करती है, बट हमें एक ऐसा पर्टिकुलर आंसर चाहिए जो सेटिस्फेक्शन हमारी इंक्रीज करे और लेवल को ठीक करे। बिकॉज आपको भी पता है कि अगर हम गूगल पे देखेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे बहुत सारी रेशियोज आ जाती है, आप सारे सर्च कर लेना, खुद ही सर्च कर लेना कि कौन सी रेशियो है जो जज करती है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन एंड साउंडनेस ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे ना आपको कभी भी डायरेक्टली शॉर्ट ऐसे का आंसर नहीं दिया होगा, इसी को ही कुछ और एड करके दिया होगा, तो उसके लिए हमें बुक का बहुत जरूरी है, क्योंकि बुक से ही बेसिक बनते हैं। आपको भी पता है कि जो बेसिक्स है वो बुक से ही क्लियर होगा। तो इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी मेरे टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से प्लीज उसको ज्वाइन करो। और जितनी भी मैंने अभी तक मैंने 2 PDF सेंड कर दी है उनको प्लीज लो, क्योंकि वो बुक का डाटा है, ठीक है। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो उसका डाटा आपको वहां से मिल जाएगा, तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी जिनके पास बुक नहीं है, ठीक है। उसे ये डेट इक्विटी रेशियो हो गई। एंड देन है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स। और ये रेशियो है बेसिकली क्या मेजर करती है, सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल टू द सप्लायर ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। सो यहाँ पे मोन प्रॉब्लम क्या है, मोस्ट प्रॉब्लम कि यहाँ पे ना आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रेशियो है जो मेजर करती है सेफ्टी मार्जिन, तो वहां सेफ्टी मार्जिन में आपका टोटल एसेट आ जाएगा, और जहां पे आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पूछी हो वहां पे आपका डेट अपॉन इक्विटी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई 2 रेशियोज। देन नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट है आपके पास
प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड और प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट। और ये रेशियो क्या शो करती है, एक्सटेंट टू विच द टोटल एसेट हैव बीन फाइनेंस्ड बाय द प्रोप्राइटर, हायर द रेशियो ग्रेटर द सेटिस्फेक्शन फॉर लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, तो मैं इसको आपको पूरे अच्छे से नोट्स दे दूंगी, आप उसमें भी पढ़ लेना, अभी हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसमें है आपका फॉर्मूला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। ठीक है, तो अभी तक हमने अपने जितने भी रेशियोज किए, सबसे पहले डेट अपॉन इक्विटी का फॉर्मूला बताओ, डेट अपॉन इक्विटी होगा टोटल एसेट टू लॉन्ग टर्म रेशियो, टोटल एसेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म फंड्स। तो यहाँ पे करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज एंड क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, तो आपको यहाँ पे क्लियरली याद भी हो जाएंगे सारे। ठीक है, सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाय इंटरेस्ट हो गया। देन एक्टिविटी रेशियोज जो है वो हमारी कौन कौन सी है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि एक्टिविटी रेशियोज बताओ, ठीक है, और आपको वहां पे सॉल्वेंसी जैसे डेट इक्विटी भी दे दी, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको क्लियरली अलग अलग भी शो किया हुआ है कि एक्टिविटी रेशियो है या फिर टर्नओवर रेशियोज है, तो प्लीज इसको याद रखो। सबसे पहले हमने कौन सी रेशियोज की थी, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमने की थी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो कौन कौन सी थी, करंट एसेट, करंट रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो। देन उसके बाद हमने करी सॉल्वेंसी, जिसमें आपका था डेट इक्विटी और टोटल एसेट टू लॉन्ग टर्म डेट। देन उसके बाद हमारी जो है नेक्स्ट वाली जो अभी हम कर रहे हैं वो कौन सी है, हमारी एक्टिविटी रेशियो और हमारा जो है टर्नओवर रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियो कौन कौन सी हो जाएगी, हमारी स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है वो भी देख लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता है सीओजीएस होता है, ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में ही, बट आपका एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट है डेटर या रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो डेटर या रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकाली जाती है, इसके ना आपके पास फॉर्मुलेज बहुत है, जैसे कि सबसे पहले है नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल प्लस, या अब एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कैसे निकलता है, ओपनिंग डेटर या प्लस ओपनिंग बीआर या फिर क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग, मतलब इन दोनों को ना आपने अलग अलग करना। अगर आपको क्वेश्चन में डेटर भी दिया हो और बीआर भी दिया हो और आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग अलग अलग शो हुआ हो और आपसे पूछा हुआ हो कि डेटर रिसीवेबल रेशियो, वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कैसे निकलता है, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर डिवाइड प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइड बाय 2। ऐसे ही आपका सेम है क्रेडिटर्स या पेबल टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट पेबल्स आ जाएगा। अब एवरेज कैसे निकालेंगे वो वाला सेम वही होगा, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल। ठीक है, तो वो हो जाएंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कौन कौन सी होती है हमारे पास, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी आपकी एक्टिविटी रेशियो थी, जिसमें आपका नेट सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। और उसके बाद हम ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100। देन हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, ये आपका निकलता है शेयर कैपिटल रिजर्व प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स माइनस नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स, तो ये आपकी हो जाएंगी। तो ये हम बहुत इंपॉर्टेंट जो रेशियोज थी वो मैंने आपको दिखा दी, शो कर दी। अब हम थोड़ा सा अपना कैश फंड फ्लो कर लेते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट वो इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगी, तो प्लीज वहां से ले लेना अच्छे से। हम स्टार्ट करते हैं अभी, जो हमारी दूसरी बुक थी हम उसमें से भी करेंगे कैश फ्लो। मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सी बुक थी वो वाली, ये वाली बुक थी वो जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट की हुई थी, शशि के गुप्ता और आरके शर्मा वाली। तो अभी जो है ये टीएस करेवाल की बुक है, पहले इसमें से देख लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो आर इनफ्लो एंड आउटफ्लो, मतलब जो कैश के फॉर्म में इनफ्लो आ रहा है और जो आउटफ्लो आ रहा है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है ओनली इन कैश फॉर्म में, या तो वो इनफ्लो आ रहा है या फिर वो आउटफ्लो आ रहा है, उसको आप बोलते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है, ऑल ट्रांजेक्शन्स दैट लीड टू एन इंक्रीज इन कैश एंड कैश equivalents are classified as inflow of cash, and all those transactions that lead to a decrease in cash and cash equivalents are classified as outflow of cash. It means क्या है, अगर आपके पास cash आ रहा है, ठीक है, तो वो increase होगा obviously, और अगर वो जा रहा है तो वो decrease होगा। ठीक है, तो ये point हो गया। Then cash signify both cash and cash equivalents, like बैंक बैलेंस जो है वो आपका कैश फॉर्म में है, ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गई, एंड कैश फ्लो बेसिकली स्टेटमेंट जो होती है कैश फ्लो की, देयरफॉर इज अ स्टेटमेंट दैट शो द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स
ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, एक पीरियड का आप यहाँ पे जस्ट चेक करते हो। और कैश फ्लो तीन एक्टिविटीज होती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट के? सो फर्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट आर टू असर्टेन द सोर्स फ्रॉम एक्टिविटीज लाइक ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज from which cash and cash equivalents were generated by an enterprise and to ascertain the used by activities। सबसे पहले आपने क्या किया, सोर्स कहाँ से आना है पैसा, मतलब कैसे फाइनली उसको इन्वेस्टिंग होगा या फाइनेंस होगा या ऑपरेटिंग, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले तो सोर्स होगा, देन उसको यूज करना है हमने, ठीक है। अब यूज करने के लिए भी आपको कैश चाहिए, देन उसके बाद हमारा टू असर्टेन द नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंडिकेटिंग द डिफरेंस बिटवीन सोर्सेज एंड यूजेस फ्रॉम और बाय द थ्री एक्टिविटीज बिटवीन द डेट्स ऑफ टू बैलेंस शीट्स, ठीक है। तो इसकी भी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, वहां पे से भी अच्छे से कर लेना, और यहां से तो हम कर ही रहे हैं। सो अब यूजेस है, यूजेस देख लो, यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। ऑब्वियसली जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ये आपको अच्छे से लिखना है कि फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड के लिए जितना भी आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को यूज करते हो, अप्लाई करते हो, वो भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग में, ठीक है। तो इट हेल्प्स टू प्लान इन्वेस्टमेंट्स एंड असेस द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। नेक्स्ट है कैश फ्लो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग लिक्विडिटी एंड सोलवेंसी। कैश फ्लो एफिशिएंटली कैश मैनेजमेंट करता है, कंपैरेटिव स्टडी है, रीजन फ्रॉम कैश पोजीशंस, टेस्ट फॉर द मैनेजमेंट डिसीजंस। अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन जो है वो उनको इग्नोर किया जाता है, जैसे कि इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। कोई भी हमने परचेज की है बिल्डिंग या फिर कोई भी हमने इश्यू ऑफ शेयर्स है वो हम इसमें, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कैश फ्लो में क्या करते हैं, हम कैश फॉर्म में जो होता है बस उसी को ही हम लेते हैं। जैसे कि हमारे पास जो बिल्डिंग्स है, परचेज ऑफ बिल्डिंग्स है, वो हम यहां नहीं लेते हैं, फिक्स एसेट का यहां पर कोई काम नहीं है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल इन नेचर होता है, फंडामेंटल अकाउंटिंग जो है कंसेप्ट को इग्नोर किया जाता है, सो ये इम्पोर्टेंट है। देन अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैश एक्चुअल में होता क्या है। कैश कंप्राइजेज ऑफ कैश इन हैंड, जो आपके हैंड में जितना कैश अवेलेबल है या जो शॉर्ट टर्म में आपको मिल सकता है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। सो उसके बाद कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है, आर शॉर्ट टर्म, वो भी शॉर्ट टर्म होता है, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होती है दैट आर रीडिली कन्वर्टेबल इनटू द नॉन अमाउंट ऑफ कैश एंड विच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू। सो एग्जाम्पल क्या है कैश इक्विवेलेंट्स के, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गए, कॉमर्शियल पेपर्स हो गए, मनी मार्केट फंड्स हो गए, एंड इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिडीमेबल विद इन थ्री मंथ्स। सो कैन ऑल्सो बी टेकन एज कैश इक्विवेलेंट्स इफ देर इज नो रिस्क ऑफ द फेलियर ऑफ द कंपनी। एंड कैश फ्लो थ्री एक्टिविटीज होती है, याद रखना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो देख लो, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री जो है, ये याद रखना कि जो आपका कैश फ्लो पूरा स्टेटमेंट है वो कहां पे आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री में आता है, जहां पे उन्हीं पैरा सेवन में स्टेट दैट कैश फ्लो जो होता है एक्सक्लूड मूवमेंट बिटवीन आइटम्स दैट कॉन्स्टिट्यूट कैश और कैश इक्विवेलेंट्स बिकॉज दिस कॉम्पोनेंट्स आर पार्ट ऑफ द कैश मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज रेदर देन पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसे कि कैश विड्रॉन जो ये वाली मूवमेंट्स होंगी हमारी, ये कौन कौन सी होगी, हमारी कैश और कैश इक्विवेलेंट्स की होंगी। जैसे कि कैश हमने विड्रॉ करवाया है फ्रॉम बैंक से फॉर बिजनेस के लिए, कैश डिपॉजिट करवाए टू बैंक आउट ऑफ कैश इन हैंड, सेल या परचेज और शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज बींग कैश इक्विवेलेंट्स, तो वो आ जाएगा। देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होगी, जो ऑपरेट करने के लिए आपको चाहिए, ना कि वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग होगी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी होगी, जो आप इन्वेस्ट करने के लिए होता है, ना ही वो ऑपरेट होगा और ना ही वो हमारा फाइनेंसिंग होगा। देन उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कौन सी होगी, आर द एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन चेंजेस इन द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल लाइक इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन द केस ऑफ अ कंपनी एंड बोरिंग ऑफ द एंटरप्राइज। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज जैसे कि हमारे पास AS3 में रिवाइज है, जैसे सोर्सेज, मतलब अगर आपको आ जाए कि सोर्सेज तो वो इनफ्लो होगा कि कहां से पैसा आना है वो देखना है आपने, और कहां पे पैसा जाना है आउटफ्लो यूजेस, ठीक है। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं। देन उसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाती है, जो हम ऑपरेट करने के लिए चाहिए होती है, बेसिकली जो हमें कैश चाहिए होता है और इसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है। देन उसके बाद है जैसे कि एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग के,
कैश रिसीट आर आई एफ फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडिंग ऑफ सर्विस, कैश रिसीट फॉर रॉयल्टी फ्रॉम रॉयल्टीज फीस कमीशन एंड अदर रेवेन्यू, कैश पेमेंट टू सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कैश पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज फॉर वेजेस, कैश रिसीट एंड पेमेंट ऑफ एन इंश्योरेंस इंटरप्राइज फॉर प्रीमियम एंड क्लेम्स. सो ये हमारा ऑपरेटिंग के लिए आ जाएगा. देन उसके बाद है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. इन्वेस्टिंग जैसे कि कैश पेमेंट टू एक्वायर फिक्स एसेट. अब जो हमारे जितने भी फिक्स एसेट है, जैसे कि कोई भी हमारा कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट है, तो वहां पे यहाँ पे क्या होता है कि कैश रिसीट, कोई भी रिसीट आ रहा है फॉर द डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट लाइक इंटेंजिबल्स, कैश पेमेंट्स टू परचेज शेयर्स वारंट्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स, और कैश रिसीट फ्रॉम सेल और शेयर्स वारंट्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स, एंड कैश एडवांसेज एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टी, कैश रिसीट फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ एडवांसेज एंड लोन्स, कैश रिसीट रिलेटिंग टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. तो जहां पे आपको इन्वेस्ट करना है फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ कैश फॉर्म, तो वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाएगा. देन उसके बाद है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कौन कौन से होते हैं जो हम फाइनेंस, जैसे कि इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो गया, लोन नोट्स हो गया, बॉन्ड्स एंड अदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो गया, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गया, कैश रीपेमेंट्स ऑफ द अमाउंट बोरोड इंक्लूडिंग रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. तो ये पॉइंट हो गए जो हमारा फाइनेंसिंग के थे. अब कुछ रिमेंबर्स पॉइंट देख लो. द नेट कैश फ्लो फ्रॉम विद इन एन एक्टिविटी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है. द सम ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज टेकन टुगेदर विद द ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शैल बी इक्वल टू द क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. अ सिंगल ट्रांजेक्शन में इंक्लूड द कैश फ्लो बिलोंगिंग इन टू डिफरेंट एक्टिविटीज. फॉर इंसिडेंस इफ अ मशीनरी हैज बीन परचेज ऑन हायर परचेज इंस्ट्रूमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट जो होगी विल इंक्लूड इंटरेस्ट एंड अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल. द कैश पेड फॉर इंटरेस्ट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी वेयर एज द कैश पेमेंट फॉर प्रिंसिपल अमाउंट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. देन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड कैश ऑल्सो द कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इंटू शेयर्स और अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज आर नॉट कैश फ्लो. देयरफॉर they are not taken into account while preparing the cash flow statement. For example, the purchase of a building by issuing shares to the vendor does not involve any cash flow. तो जहां पे आपका cash include होगा सिर्फ वही activities हम इसमें लेंगे. ठीक है. So इसके बाद वाला जो topic है वो आपको next video में मिलेगा. इसकी PDF आपको मेरे Telegram official channel पे मिल जाएगी. उसका link description box में